नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन और मुजफ्फरपुर से मैं हूँ संदीप। मुजफ्फरपुर नगर निगम जो अब शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कटिबद्ध है, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड, दोनों मिलकर शहर के विकास के तमाम दावे करते हैं, करोड़ों की योजनाओं परियोजनाओं को शुरू होने की बात कहते हैं, पर उन वादों और दावों की हकीकत यह है कि मानसून की पहली बारिश में ही इन दावों की हकीकत खोल के रख दी है। पूरे शहर का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पे निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। अब जब बारिश शुरू हो गई है तो ऐसे में ये निर्माण स्थल लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। खुले छर, खुले गड्ढे, जब पानी से ये सड़कें लबालब हो जाएंगी तब गिरकर लोगों का क्या हाल होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। निर्माण स्थलों पर न तो चेतावनी लगाई गई है कि आगे गड्ढा है और न ही कोई साइन लगाया गया है, न ही ग्रीन कलर से कपड़ों से उन्हें पैक किया गया है कि आगे खतरनाक गड्ढा है। नाला निर्माण के कारण जगह जगह जो नाले हैं उन्हें भर दिए गए हैं, जिनके कारण इस बारिश में जल जमाव की समस्या भीषण बनेगी। जगह जगह खुले गड्ढे हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार इन गड्ढों को खुला छोड़ दिया गया है, और जब इन रास्तों में पानी भरेगा तो फिर क्या होगा वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। मुजफ्फरपुर में 40 वर्षों से रिक्शा चलाने वाले एक शख्स ने कहा कि मुजफ्फरपुर को जलजमाव से कोई नहीं बचा सकता है, चूँकि उन्होंने पिछले वर्षों का अपना अनुभव बताया है। देखिए किस प्रकार से जो खुले गड्ढे हैं उन्हें नहीं भरा गया है और अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है, जिसके कारण जिले की यह स्थिति है। चला रहे हैं 40 बरस से, तो पानी की समस्या यहाँ देखे होंगे। जी हाँ एकदम। क्या इस बार ज़्यादा बारिश हो जाए तो पानी लगेगी मोती? हाँ, ज़्यादा होगा तब तक लग जाएगा। निकासी का कोई उपाय है क्या यहाँ? कोई उपाय नहीं, निकासी तो नाला बनाया, नाला तुरंत भर जाता है, बस हो गया पानी शुरू। पानी यहाँ बहुत लग जाए, घर डूब जाए, बाल बच्चा लेकर फील्ड में भगे, रहे के साधन न रहे। इस बार तो नाला भी बन रहा है स्मार्ट सिटी के द्वारा, तो क्या लग रहा है पानी लगेगा यहाँ? नाला वहाँ से बंद कल है। नाला बंद किया हुआ? हाँ, नाला वहाँ से बंद है, तब ना पानी डूब जाए घर। पानी की निकासी नहीं हो पाता? ना, उन्हें से कोई निकासी नहीं है, यहाँ पानी जमा रहता है। जमा रहे। कौन वार्ड है ये? 29 वार्ड है। आपका नाम? सुनैना देवी। तो जैसा कि आपने सुना, सुनैना देवी ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि शहर को भगवान के अलावा और कोई नहीं बचा सकता है। मुजफ्फरपुर से नव भारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए मैं संदीप कुमार।